वाउचर, किसी भी सेल्स वाउचर को क्रिएट करने के बाद उसको प्रिंट करने के लिए आपको बार बार डेबुक खोलकर उसमें से वापस उस वाउचर को ओपन करना पड़ता है। जैसे सपोज़ करिए, अगर मैं यहाँ से वाउचर में जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर एक कैश सेल्स का, यहाँ पर मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ मोबाइल के नाम से, ठीक है, यहाँ पर मैं इसका सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन बेचा, एंटर एंटर करके इसको मैंने सेव करा, फिर इसको मुझे वापस से खोलने के लिए डेबुक में जाकर, यहाँ से जाके इस, क्या मुझे इसको प्रिंट इस तरह से मेरे को प्रिंट करना पड़ रहा है? अगर आप सभी लोग इसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर ऑल्टर में जाना है। ऑल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पर वाउचर टाइप में जाना है। वाउचर टाइप में आप यहाँ पर सेल्स के वाउचर में जा सकते हैं और यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको यस करना है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो ये अपने आप ही आपसे, जब भी आप किसी भी सेल्स के वाउचर को आप सेव करेंगे, अपने आप ही वो आपसे प्रिंट करने के लिए पूछ लेगा। चलिए हम जल्दी से एक डेमो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखा 15,000 में, एंटर एंटर करके मैंने जब उसको यहाँ पर सेव करा तो देखिए अपने आप ही प्रिंट का ऑप्शन मेरे पास में यहाँ पर आ गया है दोस्तों, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन, अगर डाउट्स रहें तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा डिटेल में हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारा टैलेंट मार्क एकेडमी के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन कोर्सेज में ऑप्शन में जाकर आप हमारा पूरा कोर्स का करिकुलम देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर गेट कोर्स डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स करिकुलम भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहीं से आप नीचे एट लास्ट यहाँ पर आप हमारे डेमो सेशन देखने के बाद आप यहीं से हमारा कोर्स कॉन्टेंट भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।